नमस्कार, मैं हूं दीपक पाल और स्वागत है आप सभी के अच्छे न्यूज में। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हो। हर दिन और हर वक्त उन्हें एक ही चिंता सताई रहती है और वो है मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वो रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन के लेन देन की कड़ियों से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है। ईडी ने जस्टिस चंद्रशेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वाड्रा पर लंदन में 12 ब्राइस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीदारी में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जाँच की जा रही है। ऐसे में एजेंसी के वकील के जज ने कहा कि हमें उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि धन के लेन देन की कड़ी का सीधा संबंध उनसे ही है। वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किलों को बुलाती है तो वो सामने पेश होते हैं और उन्होंने पूरे जांच में सहयोग करा है। वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो प्रश्न किए हैं उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करने का यह अर्थ नहीं है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अंतिम बहस के लिए 5 नवंबर की तिथि तय की। निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वाड्रा ने मंगलवार को अदालत में ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया हो और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी अंदेशा नहीं है, क्योंकि ईडी उनके पास से ही मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को पहले ही जब्त कर चुकी है। ऐसे में उन्होंने दावा किया है कि ईडी बेमतलब की जांच कर रही है और उसके पास उनके खिलाफ आरोपों के समर्थन में कुछ भी सामग्री नहीं है। इतना ही नहीं, ईडी ने अदालत से वाड्रा की अग्रिम जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया और कहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेना जरूरी है। विदेश छोड़कर भागने की आशंका संबंधी आरोप पर वाड्रा ने अपने जवाब में कहा कि मीडिया में खबरें पढ़कर खुद विदेश से भारत लौटे कि ईडी उनके जांच कर रही है। इससे स्पष्ट है कि वाड्रा को देश छोड़ने की कोई भी मंशा नहीं है और वो भारत में रहकर खुद को साफ साबित करना चाहते हैं। ऐसे में दरअसल रॉबर्ट वाड्रा पे आई इस नई मुश्किल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो दर्शक एचसीएन न्यूज को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।